नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 का कॉपी वर्क कर लेते हैं। ये हमारे पास सेट का क्या नाम है, बी, और बी हमारे पास क्या है, हमें पता है हम स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, हमेशा एक्स सच डैट एक्स, हमेशा कहाँ स्टार्ट लेंगे, एक्स सच डैट एक्स, और एक्स किससे बिलोंग करता है, यहाँ पे हमारे पास हम रेडी कर चुके हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, और सारे प्राइम नंबर्स नहीं हैं तो हम क्या लगाएंगे, एंड एक्स इज लेस देन 11, क्योंकि 7 से अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेट का नाम इक्वल लगाएंगे और हम फिर लिखेंगे जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं एक्स सच डैट एक्स, और किससे बिलोंग कर रहा है हमारा इंटीजर, इंटीजर्स को किससे शो करते हैं, जेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10, तो बिटवीन वाली कंडीशन हमेशा इस तरह हम लगाते हैं कि सेंटर में आप एक्स को लिखेंगे और एक तरफ आपका ग्रेटर का साइन होगा, एक तरफ आपका एक्स के लिए लेस का साइन होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स, किससे बिलोंग कर रहा है, इवन नंबर से, एंड और एक्स जो है वो आपका ग्रेटर होगा किससे, 1 से, और लेस होगा 10 से, इस बिटवीन वाली कंडीशन को हम इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ कलर इन रेनबो, तो सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो को हम किस तरह लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स, किससे बिलोंग कर रहा है, बिलोंग की बजाय आप यहां पे लिख सकते हैं इज कलर इन ट्रेम, आपको यहाँ पे बिलोंग्स लिखने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा कॉपी वर्क, आपने अच्छे से काम करना है और कॉपी वर्क करके आपने अच्छे से इसको 2 से 3 टाइम इसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से आपने काम करना है। आज का हमारा यहाँ तक ही काम है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।